नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। इधर वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पटना सिटी के अगमकुआं स्थित RMRI रिसर्च सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने COVID-19 टीकाकरण केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड का दूसरा फेज तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी लोग सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क का उपयोग करें। हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल परमिशन दिया और यहाँ वो टीकाकरण का काम हो रहा है। देश के अंदर आज पूरे देश में कहिए कि लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा टीकाकरण अब संपन्न होने जा रहा है। मुंगेर में अपराधी बेखौफ हैं, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने एक वकील को गोली मारकर घायल कर दिया। 22 सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े जिले के सबसे सेफ जोन कहे जाने वाले मुंगेर किला के दक्षिणी गेट के समीप इस घटना को अंजाम दिया। घायल अधिवक्ता को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर अस्पताल पहुंची तथा घटना की छानबीन में जुट गई है। तो क्या कहेंगे आप इसमें? ये हम लोग सबको ये जान रहे हैं, ये बार बार अखबार में आप लोग भी छाप रहे हैं, हर जगह का है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो खौफ था नीतीश जी के पहले 5 वर्ष में, वो अब रहा नहीं अपराधियों में। और स्टेबल थे जी, बातचीत कर रहे, बातचीत कर रहे, क्या स्थिति, क्या खतरे से बात? यहाँ स्टेबल थे, लेकिन ये जो यहाँ पे वो सर्वाइकल ये था गनशॉट, इसीलिए उनको जो रेफर करना पड़ा। तो उस तरह से न्यू पे है नहीं, कहाँ रेफर करना था? गोली फांसी हुई है, एक्सरे में गोली जो है, एक ही गोली है। हाँ, एक ही गोली है। क्या नाम है? औरंगाबाद में बिहार ऑल इंडिया मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बिहार के कॉमर्स में टॉप 10+2 की छात्रा सुगंधा कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं एमाल्टा के जिला अध्यक्ष मोबिन अहमद ने कहा कि सुगंधा ने हमारे जिले का नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। सुगंधा कुमारी, जिन्होंने बिहार में टॉप किया है कॉमर्स फैकल्टी से, आप उनकी मम्मी जी, आप पापा जी और ये हमारे एमाल्टा के औरंगाबाद के मुखिया भैया जी। और ये अररिया जिला पदाधिकारी द्वारा कोरोना गाइडलाइन और विधि व्यवस्था का कड़ाई से पालन करते हुए होली और शबे बारात का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई है। होली और शबे बारात पर्व को लेकर नगर थाना परिषद में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में सभी नगर पार्षद, पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की गई। थाना स्तर पे और जहाँ जहाँ संवेदनशील इलाका है वहाँ पे शांति समिति की बैठक की गई है। कल थाना और मजिस्ट्रेट की ज्वाइंट ब्रीफिंग भी हुई है। पूरे जिले भर में 190 से ज़्यादा जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। कल दोपहर से ही थाने की गश्ती फोर व्हीलर और एज वेल एज मोटरसाइकिल पे लगातार जारी रहेगी, जो कि अगले 2 दिन तक चलेगी। वहाँ पे SD और SDPO के द्वारा भी शांति समिति संपन्न कराई गई है। मेरे और SP साहब के द्वारा भी जो विभिन्न नगर थानाओं में हम लोगों ने शांति समिति किया है, सबको हम लोगों ने बता दिया है कि होली मिलन समारोह है वो कम्प्लीटली प्रतिबद्ध है। और जिला प्रशासन के ओर से देखिए जॉइंट ऑर्डर भी निर्गत हो गया है। करीब 190 पॉइंट्स पे डिपुटेशन किया गया है और 4 गश्ती दल भी गठित की गई है। 300 होमगार्ड की भी कॉलअप हम लोगों ने कर लिया है। रोहतास के डेरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा उनके निजी होटल में होली को लेकर सारी मर्यादा तार तार कर दी गई। होटल में बार बालाओं के डांस का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को संबोधित कर बनाए गए गानों पर बार बालाओं का जमकर डांस हुआ। इस दौरान बीच बीच में विधायक जी भी आते जाते रहे। बता दें कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के होली मिलन या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी राजद विधायक ने डीरे में अपने निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ खाने पीने से लेकर बार बालाओं का डांस तक का व्यवस्था किया। और इस तरह के महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार महिला पुलिस जो कर रही थी, जैसे लग रहा था कि ये लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं।
और उसी प्रकार हमारे महागठबंधन के विधायकों के साथ भी मतलब हुआ बहुत ही निंदनीय है। तो ये जो वर्तमान सरकार है ऐसा नहीं ना है कि वो हमेशा रहेगा। मनेर के रामपुर तौफीर पंचायत अंतर्गत हुलासी टोला गांव की रहने वाली छात्रा रोजी कुमारी ने 10+2 विज्ञान संकाय में पटना जिले में प्रथम और पूरे बिहार में 15वां स्थान प्राप्त किया है, जिसे लेकर पूरे पंचायत और मनेर इलाके में खुशी का माहौल है। आज टॉप है, बिहार में टॉप किए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किनको इसका श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो ओपन माइंड ट्यूटोरियल के सर राजकुमार सर, सनी सर, संजीत सर, और इसके अलावा मेरे चाचा जो 10th तक हमको पढ़ाए हैं सरोज सर, और मेरे चाचा एक और सुमित सर, वो सब इन लोगों का बहुत ज्यादा मुझ पे योगदान रहा ये कि हम अच्छा से पढ़ाई करें। मतलब हमेशा से सपोर्ट करते थे मेरे चाचा लोग भी और मेरे सर लोग भी। तो हम अपने सफलता का श्रेय तो मेरे चाचा लोग और सर और मम्मी पापा को भी देना चाहेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम स्कूलों का है, शिक्षकों का है, अभिभावकों का है। और हमारे मनेर की बेटी उलासी टोला की रहने वाली रोजी, उसने पटना जिले में विज्ञान में जो प्लस टू का एग्जाम हुआ है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पूरे बिहार में उसका 15वां स्थान है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है, रोजी यहाँ के छात्रों के लिए एक रोल मॉडल है, तो उसको सम्मानित करना था, एक टोकन जेस्चर है। बंधुबनी के बेहटा पछवाई टोल की सविता ने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में 459 अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। सविता मधुबनी जिला टॉपर की सूची में तीसरा रैंक हासिल की है। वहीं बेनीपट्टी के पंचायत समिति सदस्य आनंद कुमार झा ने घर पर पहुंचकर छात्रा को पुरस्कृत किया। बहुत खुशी, बहुत बहुत बढ़िया। हमारा सौभाग्य के हैं बेटी के हम जन्मदिन जी के हमारा उसे तक देख ले था जी। हिनकर आगा से वो बहुत इच्छा छन जे हम सीए बनी, ओई में आहा सब के की याति रख। हां हां जी, हुनकर मुंजे सब का इच्छा है तिन पूरा। की नाम है छा के? सविता कुमारी। इंटरमीडिएट एग्जाम में हूं उत्तीर्ण भेलो हां जी सर। कते नंबर यहां के टोटल? 467 नंबर। कौन कॉलेज से छलो हां? नैन्सी कॉलेज। अच्छा, जिला टॉपर में से हो छी हां? के एम स्थान पर। थर्ड रैंक पर। पिताजी के नाम? सियानी झा। की करे छथ? और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।